सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी को दुख पहुंचाने से पहले ये जरूर सोचे कि अगर आपके साथ वैसा कोई करता तो क्या होता। अगर आपका भरोसा तोड़ने के बाद माफी मांगे तो भले माफ कर दो, पर दोबारा भरोसा ना करो। मेहनत करनी है तो कमर सीधी करनी जरूरी है, झुककर ज्यादा देर काम नहीं किया जा सकता। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आज जो आपके साथ है वो ही सच्चा सोना है। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात्रि 12:19 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र 12:23 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:16 से 1:44 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कन्या राशि पर ही रहेंगे। कर्क राशि 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, माता पिता और प्रियजनों के साथ होने से अकेलेपन या दुख से राहत मिलेगी। उज्जवल सपने आकर्षक दृश्य दिखाते हैं। अपने आप को आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विचारों के लिए समय दें। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखेंगे, बस दूसरों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। हम किसी गलत इंसान से प्रेम कर सकते हैं, गलत इंसान के लिए रो सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, हमारी गलतियां हमें सही इंसान तक पहुंचने में मदद करती है। आपको आज कहीं से अचानक धन लाभ मिल सकता है। आप आज अपने लिए कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। यदि आज आपको कोई फैसला लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लें, क्योंकि भावुकता में लिया गया निर्णय भविष्य में परेशानी दे सकता है। जीवन साथी के साथ आपका प्रेम और तालमेल बना रहेगा। आज आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। आज आपकी कोई नई मित्रता स्थापित होने वाली है जो भविष्य में लाभदायक भी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में अपने वसूलों और सिद्धांतों पर टिके रहना आपको मान सम्मान देगा। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में उचित सफलता भी मिल सकती है। राहत महसूस होगी, आध्यात्मिक बातों की ओर बढ़ रहा झुकाव व्यक्तिगत जीवन सुधारने के लिए सहायक साबित हो सकता है। हर बात में प्रसन्नता होने से जीवन से संबंधित नाराजगी दूर होगी। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, खुद में आ रहे बदलाव के जरिए जीवन को सही दिशा देना संभव होगा। मार्गदर्शन को उपयोग करते हुए आप बड़ी मात्रा में लाभ हासिल कर पाएंगी। पार्टनर की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, पड़ोसियों के साथ व्यक्तिगत बात को लेकर कुछ विवादित स्थिति बन सकती है और इसका असर आपसे संबंधों पर पड़ेगा। अनुभव, लोगों के मार्गदर्शन और सलाह की अवहेलना ना करें। दौड़ धूप और व्यस्तता पूर्ण दिनचर्या आपको थका देगी। बात करते हैं लव लाइफ की। प्यार में मिली धोखाधड़ी या ठगी आपकी जिंदगी में मुश्किलें उत्पन्न कर सकती है, लेकिन इनसे न डरे। आपका आपके साथी के प्रति भरोसा इतना अटूट होना चाहिए जो किसी भी अफवाह से ना टूट पाए। लव लाइफ में यौन सुख या अंतरंगता का आनंद लें। अपने दिल की बातों को बताने के लिए आज के दिन सबसे शुभ है। किसी खास अवसर में नए संबंध बनेंगे। अपने साथी को प्रभावित करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। घर पर कोई रोमांटिक फिल्म देखना या उसके पसंदीदा गाना सुनना भी आज आपका दिन बना सकता है। बस पॉपकॉर्न तैयार रखें। बात करते हैं करियर की। यह समय विदेशियों के साथ दीर्घकालीन निवेश के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि आपका भाग्य अभी आपके साथ है। आज कोई रहस्यमय घटना आपको अपने सपन पूरा करने की प्रेरणा दे सकती है। अभी कीमती सामान की खरीद या बिक्री से बचें। अपने विचारों में स्पष्टता के कारण आपका जीवन रचनात्मक है। रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा समय है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले योजना बनाएं, उसके बाद प्रयास करें। प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए मार्केट प्लान को समझें। अच्छा करियर से आपके साथ अच्छा ही होगा। व्यवसाय में कार्य क्षमता व काबिलियत की वजह से कामयाबी आपके द्वार खटखटाएगी, इसीलिए प्रत्येक कार्य को गंभीरता से लें। नौकरी पेशे व्यक्तियों को उच्च अधिकारियों से किसी
बात को लेकर नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तथा आप प्रफुल्लित महसूस करेंगे। सिर्फ गैस और बदहजमी होने वाली चीजों का सेवन ना करें। आज का उपाय, आज आप गणेश स्त्रोत का पाठ करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।